हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने जनकपुर की सभा में जाकर उस धनुष को तोड़ दिया। वैसे धनुष भगवान ने तोड़ा ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन कथा के साथ साथ, लीला के साथ साथ महात्माओं ने सिद्धांत भी प्रस्तुत किए कि धनुष टूटा ये सत्य है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सात्विक और तात्विक शिक्षा हमारे जीवन में प्राप्त हो। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि ये जो धनुष है अहंकार का प्रतीक है, धनुष अहंकार का प्रतीक है और इस अहंकार को तोड़ना ही होगा। रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा और सीता की प्राप्ति हुई। सीता भक्ति स्वरूपा है। जब तक हमारे जीवन में अहंकार रूपी धनुष को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक भक्ति रूपी सीता हमें प्राप्त नहीं होगी। भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए इस अहंकार रूपी धनुष, इस अभिमान रूपी धनुष को तोड़ना ही होगा। हम सबों ने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष को किस प्रकार तोड़ा, तो अपनी गुरु की आज्ञा से तोड़ा, गुरु के मार्गदर्शन में किसी सदगुरु के अनुशासन में रहकर ये भगवान ने उस धनुष को तोड़ा। जब हम किसी सदगुरु की सेवा करते हैं, गुरु की कृपा से गुरु की साधना करते हैं, तब हम अहंकार रूपी अभिमान रूपी धनुष को तोड़ सकते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस धनुष के विषय में आया है भक्तों, इस धनुष की भी अद्भुत कथा है। इस धनुष के विषय में आया है, हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा असुर हुआ और वह असुर पूरे जगत में उत्पात मचाने लगा, पूरे जगत को त्राहिमाम करने लगा। और जब उस असुर को मारने का प्रयास किया गया तब उस असुर ने स्वर्ग में तीन पुल की रचना की, तीन पर्वत बनाए, क्योंकि असुर के द्वारा तीन पुल की रचना हुई, इसलिए उस असुर का नाम हुआ त्रिपुरा असुर। और जब कोई उस असुर को मारने के लिए स्वर्ग में जाता था तो एक पहाड़ के पीछे छुप जाता था, एक पर्वत के पीछे छुप जाता था। जब कोई उस पर्वत के पीछे जाए तो दूसरे पर्वत के पीछे छुप जाए, दूसरे पर्वत के पीछे जाए तो तीसरे पर्वत के पीछे छुप जाए, तो इसे मारना असंभव हो गया, किसी से मरता नहीं था। तब देवता गए शिव जी के सर में, तब शिव जी ने अपना धनुष जिसका नाम था पिनाक पाण, भगवान श्री रामचंद्र के धनुष का नाम है शारंग, अर्जुन के धनुष का नाम है कांडिव और महादेव के धनुष का नाम है पिनाक पाण। शिव जी अपने उस पिनाक एक अद्भुत धनुष को लेकर आए और उस धनुष के द्वारा उस त्रिपुरासुर का वध किया, इसलिए महादेव का एक नाम हुआ त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर का वध करने के कारण त्रिपुरा, पर भोलेनाथ ने उस धनुष को परशुराम जी को प्रदान किया और परशुराम जी ने जनक, जब वे धनुष को दान में दे रहे थे तब धनुष बोला, धनुष भी शास्त्र शस्त्र ही बोलते हैं, तो बहुत कैसे लोगों को आज इस बात पे विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं धनुष कैसे बोलेगा, लेकिन भक्तों ये तो पुरानी बात है, लेकिन आप कुछ दिन पहले चले जाइए, हमारे इतिहास में एक राजा हुए जिसका नाम था शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी। उनके विषय में आया है भक्तों कि जब वो ग्रीकों से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनकी माता ने जो तलवार उसे फेंक दिया, उस तलवार ने उनकी पत्नी को निर्देशन किया कि तुम्हारे पति को विष देने वाला है युद्ध में कोई अपना ही आदमी, और
राजा शतकर्णी को उस युद्ध में निश्चित किया गया। तो जब महादेव उस धनुष को दान में दे रहे थे तब धनुष बोला कि हे भोलेनाथ, मैं पहले से ही भला हुआ हूँ, मेरे ऊपर एक रस्सी पहले से ही बंधी हुई है, आप मुझे किसी को दान में देकर दूसरा पत्थर चलते हैं। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तब अपने हाथ से तुम्हें मुक्त करेंगे। तो आज अपने परम भक्त के कहे हुए वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उस धनुष को तोड़ा, और धनुष को तोड़ने का सबसे बड़ा आनंद और उत्साह, वैसे तो सारे लोग उत्साहित थे, सारे लोग प्रसन्न थे, लेकिन सबसे अधिक उत्साह में लक्ष्मण थे। जैसे ही वो धनुष टूटा, लक्ष्मण कूद कर अपने आसन से सीधे चले जी के आसन पर। लक्ष्मण जी चले नहीं, उठे नहीं, खड़े नहीं, पैदल नहीं चले, डायरेक्ट उछले अपने आसन से और चले जी के आसन पर। बोले महाराज, कह रहे थे ना इस सभा में कोई वीर नहीं है, देख लिया आपने वीर कैसे होते हैं, बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वीर विहीन वहीं में जाना, देख लिया ना वीर कैसे होते हैं, टूट गया ना आपका धनुष, और कोई दूसरा धनुष पड़ा है, बड़ा बड़े ने तोड़ा, छोटा लाके दे दो मैं तोड़ दूंगा, कोई पड़ा हुआ है। जनक जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, दूसरा सुने ना, मैं सीता जी को निर्देश किया, अनेक सखियों से भी करते हुए सीता हाथ में वरमाला लेकर भगवान श्री रामचंद्र के पास आए, अनेक सखियों से घिर कर देवी सीता जगदी सीता भगवान श्री राम के पास आ रही है, और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम को पूरा करने जा रहे। देवी सीता हाथ में वरमाला लेकर भगवान श्री रामचंद्र के पास आती है, हाथ में वरमाला लेकर सीता राम को पहनाना चाहती है, लेकिन सीता से भगवान श्री रामचंद्र का कद लगभग 1 फुट अधिक था, और उसके ऊपर भी 1.5 फुट का मुकुट। पिछले सत्र में हम लोगों ने जगत जननी देवी सीता के द्वारा वरमाला पहना गया था, पहना दिया गया था, लेकिन थोड़ा भी वापस आ जाइए, रिवर्स आ जाइए, एक प्रसंग छूट गया था। मैंने बोला था आपको कि बहुत बड़ा प्रसंग है, और बहुत कम समय में पिछले सत्र में हमने इसे पूर्ण किया था। तो देवी सीता अपने हाथ से भगवान को वरमाला पहनाना चाहती है, लेकिन भगवान रामचंद्र का कद सीता से 1 फुट ऊंचा, और उसके ऊपर भी 1.5 फुट का मुकुट, 2.5 फुट ऊपर माता सीता का हाथ नहीं पहुंच पाता। देवी सीता ने अपनी आंखों से भगवान श्री रामचंद्र को इशारा किया कि प्रभु थोड़े झुक जाएंगे, लेकिन ये बेचारे सीधे साधे भोले वाले इशारा क्या समझे, कृष्ण होते तो अब तक 50 बार झुक गए होते, खुद लेकर हाथ से माला अपने गले में डाल दिए होते, लेकिन राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण होते तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुद डाल दिए होते। ब्रज में कृष्ण बछड़े को चराने के लिए जाते थे, बछड़ा सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन किसी गली में किसी गोपी को देख लिया तो कुछ नहीं कहते, ये बछड़ा बहुत बिगड़ गया है, ये बछड़ा बहुत बिगड़ गया है, खींच के उसको उस गली में लेकर चले जाते और उस गोपी को देखकर आ जाते। लेकिन भगवान पता पुरुषोत्तम है, भगवान बिल्कुल सीधे खड़े हैं, समय जा रहा है, मुहूर्त बीत रहा है, सखियों ने कहा प्रभु आप झुक जाइए ना, हमारे सखी आपको हार पहनाए, तो राम सीधे सीधे खड़े, फिर तो सारी सखियां विश्वामित्र के पास गई, गुरुदेव जरा अपने शिष्य को कहिए ना थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो मेरा काम धनुष तोड़वाने तक का था, धनुष टूट गया, अब आपका काम है, आप देखो आप समझो। तब सारी सखियां जनक जी के पास आई, जनक जी को कहा महाराज अपने दामाद को कहिए ना थोड़ा झुक जाए, सीता उनको वरमाला पहना सके। जनक जी ने कहा बेटी पराई धन होती है,
धनुष टूटने से पहले सीता मेरी थी, लेकिन धनुष टूटने के बाद सीता राम की हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने पल्ला झाड़ दिया, जनक जी ने पल्ला झाड़ दिया, अब क्या करें? वहां बोल पीता जा रहा है, वहां सीता हाथ मकान में वरमाला लेकर खड़ी है, राम सीधे साधे खड़े हैं। अब ये सारी सखियां लक्ष्मण जी के पास है। लक्ष्मण जी तो बिल्कुल उत्साह में बैठे थे, कहा लक्ष्मण जी आपके भाई को कहो ना थोड़ा झुक जाए ताकि हमारी सखी सीता उनको वरमाला पहना सके। लक्ष्मण जी ने कहा वो नहीं झुकेंगे, क्यों झुकेंगे, रघुकुल के राजकुमार है, नहीं झुकेंगे, पर वैसे भी शादी के बाद तो झुकना ही, आज क्यों झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। उन सखियों ने कहा देखो यदि आप हमारा काम कर दोगे तो सीता के बाद पीछे और बिना बैठी है कि आपका काम कर देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, अभी आप इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो मैं कुछ करता हूँ, जाओ सब लोग अपने अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाओ, जब मैं इशारा करूं तो वरमाला डाल देना। सारी सखियां अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो गई, देवी सीता अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी हो गई। और ये तो गुरु तत्व है, लक्ष्मण बने गुरु तत्व परम बुद्धिमान। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र के पास गए, भैया वाह आज तो आपने कमाल कर दिया, बड़े बड़े महाराजा राजा जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को आपने तो तुरंत चुटकी में कर दिया, भैया आज मुझे आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है, भैया आज मुझे आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में दंडवत हो गए। और वैष्णवों का सिद्धांत, वैष्णव कभी किसी का प्रणाम नहीं लेते, अतः लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र झुके, लक्ष्मण जी ने इशारा किया सिया जय मान राम और मेदी गावहि छवि अवलोकि सहेली। जगत जननी माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला डाल दी और उस सभा में सीता राम जी की जय जयकार। सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, देश तुम्हारी जय जय हो, देश तुम्हारी जय जय हो, सीताराम 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 तुम्हारी जय जय हो, अवधेश तुम्हारी जय जय हो, अवधेश जब देवी सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई, राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण आज तो तुमने मुझे हरा दिया, मैं खड़ा था और झुकने के लिए मना कर रहा था लेकिन तुमने मुझे झुकाया, वरमाला डाली लक्ष्मण आज तो तुमने हरा दिया। तब लक्ष्मण जी ने राम को कहा करो भक्ति के सामने सदैव भगवान को झुकना ही पड़ता है। सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, अब
अवधेश तुम्हारी जय हो, अवधेश तुम्हारी जय हो, अवधेश तुम्हारी जय जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामायण में ऐसा वर्णन किया गया कि जिस समय सीता ने राम के गले में वरमाला डाली, उसी समय सभा में जितने क्षत्रिय राजा बैठे थे सब लोग खड़े हो गए और राम को मारने के लिए तैयार। ऐसा वर्णन है, सारे क्षत्रिय राजा युद्ध करने के लिए दौड़े। जब तक राम के गले में वरमाला नहीं आएगी भक्तों, तब तक किसी राजा को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही गले में वरमाला आ गई, सारे राजाओं को दिक्कत हो गई, सब लोग राम को मारने के लिए दौड़े। इसी को कहते हैं संसार। जब तक आप भजन में या संसार में कुछ अच्छा ना करो, कुछ प्रगति नहीं करो, तब तक आपका कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जब आप इस संसार में, इस भक्ति में कुछ प्रोग्रेस करोगे, प्रगति करोगे, कुछ क्रांति करोगे, हजारों लोग आपको गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे, अनेक लोग गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे। भक्तों, ये आज कल का नहीं, ये बहुत ऊपर से अनादि आदि कालों से चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपके पीछे पड़ा है, आप उससे आगे खड़ा है, चिंता की जरूरत नहीं। ये सब निंदक जो है पीछे नहीं रहते हैं, कभी आगे नहीं आ सकते। ऐसे निंदकों से कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। सारे राजा महाराजा युद्ध करने के लिए दौड़े, उसी समय जब शिव धनुष टूटा तो उसकी आवाज तीनों भुवन में, तीनों लोक में फैल चुकी थी। महेंद्र पर्वत पर अति क्रोधी घोर स्वभाव के जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी तपस्या कर, और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज हुई, परशुराम जी का ध्यान भूल गया और तुरंत जनकपुर की ओर। वैसे वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का प्रवेश नहीं बताया गया है, परंतु तुलसीदास जी प्रीत रामायण और श्री प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं कि राम विवाह के पश्चात परशुराम जी का मिलन हुआ भगवान रामचंद्र। परशुराम जी महाराज जनक के सभा में आए, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयुष विपुल कमल पतंगा। परशुराम जी जिसका गौण वर्ण है, जो अपने शरीर पर मृग चर्म धारण करते हैं, जिस समय क्षत्रिय राजा अपने कंधे पर एक तरकस रखते थे, परशुराम जी भक्तों दो दो तरकस रखते थे अपने कंधों पर। जिस समय क्षत्रियगण अपने हाथ में एक आयुध लेकर घूमते थे, परशुराम जी अनेकों आयुधों के साथ घूमते थे। और परशुराम जी धनुष के ऊपर बाण को चढ़ा के रखते थे, कभी खोल के तरकस में नहीं रखे, हमेशा एक बाण उनका धनुष पे चढ़ा ही रहता था। कब पता, क्या पता कब अर्जेंट चलाना पड़ जाए। अति क्रोध घोर स्वभाव, धनुष पर बाण चढ़ाकर घूमते थे। ऐसे परशुराम जी का ध्यान भंग हुआ, महाराज जनक जी के सभा में आए और परशुराम जी को देखकर पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी को देखकर उस सभा के सारे राजा महाराजा कांपने लगे। राम को मारने के तो ये दौड़े थे, परशुराम को देखकर कांपने लगे, क्योंकि परशुराम जी वो है जिसने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्र किए हैं, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी के क्षत्रियों का विध्वंस किया। ये सारे क्षत्रिय कांपने लगे, कुछ की तो धुंधी गिरी हो गई, कुछ क्षत्रियों को तो बुखार आ गया, कुछ लोग कुर्सी के नीचे बैठ गए
और कुछ लोग अफसोस करने लगे कि जिस समय जनक जी ने कहा था निज निज भुजाओं उसी समय यदि इस महल को छोड़कर इस सभा को छोड़कर चले गए होते तो अभी तक घर पहुंच गए होते, ये आफत के सामने नहीं आना पड़ता। लेकिन अब क्या करें, अब जा भी नहीं सकते, ये देवता आ चुके हैं। सारे राजा अपने अपने दस दस पीढ़ी का नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने लगे, महाराज मैं फलाने के पुत्र का पुत्र का पुत्र का फलाने का पुत्र आपके चरणों में दंडवत करता हूं, महाराज आपका फरसू चले तो जरा संभल कर चले। सारे राजा कांपने लगे परशुराम जी के डर से, और परशुराम जी सीधे जनक जी के पास, मूंड जनक तू जानता नहीं मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं, इतने सारे क्षत्रियों को यहां क्यों एकत्रित किया है। जनक जी ने कहा महाराज बेटी का विवाह करना चाहता था, मेरी बेटी सीता का विवाह और स्वयंवर सभा का आयोजन किया था, इसीलिए सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया गया था। विश्वामित्र ने देखा कि जब जनक जी इस प्रकार से बोल रहे हैं तो राम को आगे किए, जनक जी ने राम का परिचय दिया, परशुराम जी की दृष्टि राम के ऊपर जाते ही राम के बाजू में टूटा हुआ धनुष, उस धनुष शिव धनुष को टूटते हुए देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए, कहने लगे जनक जल्दी बता इस धनुष को किसने तोड़ा है, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की भूमि को छिन्न भिन्न करके रख दूंगा, उलट पुलट करके रख दूंगा। अब जनक जी कैसे कहे कि मेरे दामाद ने ही धनुष को तोड़ा है, बोले तो परशुराम मेरे दामाद को मार डालेगा, विवाह के ही दिन ये सारे अपशकुन ये सारे कांड कौन व्यापिसा चाहेगा। जनक जी बड़े धर्म संकट में कुछ बोल नहीं सके, भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि मेरे ससुर जी जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए राम ही बड़े मृद भाषा में बड़े कोमल भाषा में कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, 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 ओयन के ओ एक दास तुम्हारा, ओयन के ओ एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। बस इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा है, भगवान राम धीरे धीरे बोल रहे थे, इनको धीरे से सुनने की आदत तो थी नहीं, एक एक शब्द को दस दस बार क्यों कह रहा है। भगवान रामचंद्र कहना चाहते थे कि हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़े ऐसा कार्य कोई आपका दास भी कर सकता है। भगवान रामचंद्र के कहने का भाव था कि आपके धनुष ने एक धनुष को तोड़ा है, हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़े ऐसा कार्य तो आपका कोई दास ही कर सकता है, कितनी अच्छी बात है, तो कितना बड़ा पराक्रम किया है भगवान श्री रामचंद्र ने, कितनी बड़ी कार्य किया है, कितना बड़ा कार्य किया है, लेकिन अपने आप को दास है, अपने आप को दास मान रहे हैं। हे परशुराम जी आपके दास ने इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं दास वो है जो सेवा करे, इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो सकता, धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है, जल्दी बता इस धनुष को किसने तोड़ा है। भगवान रामचंद्र इतना प्रेम से समझा रहे थे लेकिन परशुराम जी नहीं मान रहे थे। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास गए, कहा गुरुदेव आपने एक काम गलत कर दिया, क्या गलत आदमी के साथ आपने इस ऋषि का परिचय, या सच कहूं तो ये मेरिट टाइप का आदमी है, ये पूरी तरह टोटल मेरिट टाइप का आदमी है, और गुरुदेव इसके सारे प्रश्न का जवाब मेरे पास है, आप आज्ञा दीजिए कि मैं इसके सारे प्रश्न का जवाब दे सकूं। विश्वामित्र ने देखा कि लक्ष्मण के अलावा परशुराम जी का और कोई प्रतिकार नहीं,
विश्वामित्र जी ने राम को पीछे किया, लक्ष्मण को आगे किया, राम पीछे लक्ष्मण आगे, लक्ष्मण जी परशुराम जी के परशुराम जी के सामने, परशुराम जी की भभकती हुई क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण जी की प्रथम आहुति देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, बहु धन ही तोरे लड़काई कबहु न आस असि ऋषि किने पोसताई। हे गोसाई, हे मुनिवर, जब हम छोटे थे ना तो खेल खेल में हमने बहुत सारे धनुया तोड़ डाले, उस समय तो हमें किसी ने नहीं रोका ना किसी ने डांटा, और आज आप एक धनुष टूट गया तो इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। परशुराम जी पूर्ण क्रोधित, मूर्ख बालक इस महान सिंह धनुष को बच्चों की धनुया समझता है, इस महान सिंह धनुष को क्या बच्चों का खिलौना समझ रहा है, तो जानता नहीं ये सिंह धनुष कितना महान है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप यही जानना चाहते हो ना कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। बोले हाँ, सच कहूं तो आपके प्रश्न का उत्तर आप ही के पास है, दूसरों से क्यों पूछ रहे हो इतने चिल्ला चिल्ला के। आपने भी क्या कहा, ये महान सिंह धनुष है, ये महान सिंह धनुष है, तो समझ जाओ ना महाराज जो महान होगा उसी ने इस धनुष को तोड़ा है, बस ये धनुष को तोड़ने वाला महान है। परशुराम जी बोलते, ये धनुष को तोड़ने वाला महान नहीं है, आज ये धनुष को तोड़ने वाले को मैं मौत के घाट उतार दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। भगवान श्री रामचंद्र को लक्ष्मण जी के सामने कोई कहे कि मौत के घाट उतार दूंगा, लक्ष्मण जी से कैसे सहन हो सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है महाराज आप कौन है, आपका परिचय देने की क्या जरूरत है। महाराज आप वही है ना जिसने अपनी मां का गला काटा था, महाराज आप वही है ना जिसने अपने भाइयों का गला काटा था। यदि अपनी मां का गला काटना हो, यदि अपने भाइयों का गला काटना हो, तो कोई आपसे ट्यूशन करा सके, आपसे सीखे कैसे करना है। परशुराम जी पूर्ण क्रोध में, इस बालक को कोई यहां से लेकर जाओ, आज इस बालक की मां को मैं निपुति बना दूंगा, आज इस बालक की पत्नी को विधवा बना दूंगा, नहीं तो इसे यहां से इसी समय कोई लेकर जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो आप अपनी आंखें बंद कर लो ना, मैं आपके सामने से निकल जाऊंगा, आंखें बंद कर दो तो मैं आपको सामने दिखूंगा ही नहीं। परशुराम जी बार बार ये धनुष और बाण फरसू आगे चला रहे थे और कह रहे थे कि ये फरसू आज चल क्यों नहीं रहा है, आज मेरे हाथों से शस्त्र चल क्यों नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, सच कहूं महाराज इसका जवाब मेरे पास है, ये आपके निर्जीव अस्त्र शस्त्र समझ गए कि किसके ऊपर चलना है और किसके ऊपर चलना है, लेकिन आपको सजीव होकर भी आपको अभी तक जानकारी नहीं है, और मुझे तो इतना नहीं पता चल रहा है कि आप साधु हो सन्यासी हो। साधु सन्यासी को तो विराग ही शोभित करता है, साधु होकर विराक्त होकर एक धनुष में इतनी आ सकती, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये साधु होकर आप इस धनुष में इतना आसक्त क्यों हो। अब परशुराम जी को आसक्त कहना ये मौत निमंत्रण देने के बराबर था। परशुराम जी पूर्ण क्रोधित होकर, आज मैं इसे मार डालूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये बार बार फरसू दिखाकर क्या मुझे डराना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है मैं फरसू देखकर डर जाऊंगा, आप बार बार फरसू आगे चल रहे हो, क्या सोच रहे हो कि मैं भयभीत हो जाऊंगा। सच कहूं ना महाराज, मैं आपके फरसू को तो देख ही नहीं रहा हूं, आपके यश शत्रु को देख ही नहीं रहा हूं, मुझे तो आपके त्रिपुट दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो आपके जरूरी का धारणा दिखाई दे रहा है। मेरे रघुकुल की ये परंपरा है, किसी स्त्री के ऊपर, किसी बालक के ऊपर, किसी ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, और बार बार आप जो युद्ध का निमंत्रण दे रहे हो ना, आपको युद्ध करने का इतना ही शौक है, तो पहुंच दो अपना ये त्रिपुण और तोड़ दो ये चनुई के धागे और आ जाओ रणभूमि में, आपको भी पता चले कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए, भगवान रामचंद्र ने देखा कि कुछ अनर्थ हो जाएगा, लक्ष्मण को पीछे किया, राम आगे, और प्रेम से कहा, मुनिवर बच्चा है, बच्चे की बात पे इतना ध्यान मत दीजिए, इस लक्ष्मण के मुख में दूध है, अभी ये बच्चा है, इस बच्चे के मुंह में भी दूध है। परशुराम जी, दूध है इसके मुंह में, ये तेरे भाई के मुख में दूध है अभी,
विष भरा है तेरे भाई के मुंह में। कौन कहता है इसके मुंह में दुख है, दूध भरा हुआ है? तेरे भाई के मुंह में पूरी से पूरी तरह से विष भरा हुआ है। और मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा है, तू इतना सीधा साधा भोला भाला बात भी करता है, तू इतनी शांति से, और तेरा भाई देख देख अभी भी कैसे देख रहे हो मेरे को, देख देख देख। लक्ष्मण जी घूर के पीछे से देख रहे थे ऐसे करके परशुराम जी को। मैं सच कह रहा हूं, आप लोग मुझे क्रोध मत दिलाओ, आप लोग मुझे क्रोध मत दिलाओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव जाने दो ना। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए विश्वामित्र भी आनंद ले रहे थे, बोले ठीक है जाओ। लक्ष्मण जी आगे आए, राम पीछे। लक्ष्मण जी कहते महाराज आपने अभी भी क्या कहा कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। इसका अर्थ यही हुआ ना कि अभी तक आपको क्रोध नहीं हुआ है, आप अभी तक क्रोधित नहीं हुए हो। आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, इसका मतलब हुआ कि आपको क्रोध अभी तक नहीं आया है। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है, एक प्रश्न हो रहा है महाराज कि जब आपको क्रोध नहीं आया है तो आप इतने लाल पीले हो गए हो। महाराज जब आपको क्रोध आता होगा तो जल के भस्म ही होते हो जाते होंगे ना। बस लक्ष्मण पीछे हुए परशुराम जी, पूर्व क्रोधित लक्ष्मण पीछे हुए, राम आगे हुए। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरा नाम है राम। परशुराम जी ने कहा मेरे जैसा नाम रख लेने से तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जैसे महान हो जाओगे? भगवान ने कहा आपका नाम तो बहुत बड़ा है महाराज परशुराम, और मेरा तो एक छोटा सा नाम है राम। पिप्रवंश के यसी प्रभुताई कभी होई जो वही डरा है, आपको कौन डरा सकता है महाराज, आपकी बराबरी कौन कर सकता है? परशुराम और राम के बीच में इस प्रकार के संवाद हो रहे थे, खिड़की से पवन आया और भगवान श्री रामचंद्र के वक्षस्थल से पीतांबर सरक गया और परशुराम जी की दृष्टि राम के वक्षस्थल पर गई और उन्होंने राम के वक्षस्थल पर श्री वत्स लक्ष्मी जी की रेखा देखा और भृगु ऋषि के चरण के चिन्ह को देख लिया। परशुराम जी समझ गए ओह मुझे कहीं अपराध हो जाता अभी मुझे बताना चाहता। परशुराम जी समझ गए ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु इस धरती पर आ चुके हैं, समझ गए ये तो साक्षात भगवान है। श्री वत्स रेखा को देखकर परशुराम जी समझ गए ये किससे उलझ रहा था, यखंड अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु से उलझ रहा था। दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी बड़े भाव में आकर जय रघुवंश ब्रज बन भानु, जय रघुवंश ब्रज बन भानु, जय रघुवंश ब्रज बन भानु, गहन तनुज कृषानु गहना तनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरति प्रेणुदीप कारी, जय सुरति प्रेणुदीप कारी, जय पद मोह प्रहारी, जय मंद्र मोह कुह ब्रह्महारी, जय रघुवंश ब्रज बन भानु, जय रघुवंश ब्रज बन भानु। परशुराम जी कहने लगे हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि की समान आपकी जय हो।
हे देवता ब्राह्मण और गायों का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध हो भ्रम को भरने वाले ईश्वर आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको कुछ अनुचित कर दिया हो, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रभु कभी कभी छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में बैठा होता है और कभी कभी वही बालक अपने दूध पिलाने वाली माँ को ही लात मार देता है, तो क्या वह माँ अपने बालक को छोड़ देती है, पटक देती है? ठीक उसी प्रकार हम आपके बालक हैं, हम आपके संतान हैं। हमसे यदि कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो हमें क्षमा कीजिए। कहीं जया जया रघुकुल के तू, कहीं जया जया रघुकुल के तू। प्रभुपति गरीब नहीं तपहि तू, प्रभुपति गरीब नहीं तपहि तू। जय रघु पंच पनज मधु, जय रघु पंच पनज मधु। जय सुरभि प्रदेनु हितकारी, जय सुरभि प्रदेनु हितकारी। जय पादमोह कोह ब्रह्मधारी, जय पादमोह कोह ब्रह्मधारी। जय रघुवंश भज बन पानो, जय रघुवंश भज बन पानो। अनेक अनेक मंत्रों से दीर्घाते हुए, अनेक बातों से क्षमा याचना करते हुए, अनेक रूप से भगवान को मनाते हुए, राम की जय जयकार करते हुए राम जी जहां से आए थे वहां पर तपस्या करने के लिए वापस लौट गए। परशुराम जी वापस लौटे और वहां पर अयोध्या से महाराज दशरथ, भरत और शत्रुघ्न बहुत बड़ी बारात को लेकर आए। कुछ ही दिन के पश्चात जनकपुर में एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह महाराज जनक की चारों कन्याओं के साथ हुआ। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी के दिन भगवान रामचंद्र का विवाह हुआ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, 12 महीने में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ और उसी मार्गशीर्ष महीने में भगवान राम का सुंदर हुआ। बहुत सुंदर रामायण में वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का बारात आया, किस प्रकार से सुंदर घोड़े पर विराजमान होकर भगवान आए, किस प्रकार से विवाह हुआ। विवाह हुआ, बारात लगभग एक महीने तक जनकपुर में रुके। रोज राजा दशरथ विदा लेने के लिए उठते थे, सवेरे उठकर तैयार होकर महाराज जनक के पास जाते थे और रोज महाराज जनक अपने प्रेम से महाराज दशरथ को बांध देते थे और जनकपुर में रुकने के लिए मजबूर कर देते थे। हम सब भी कुछ दिन यहाँ पे बारात को रुकने देते हैं। बारात रुकी है, बहुत सुंदर रोज आनंद हो रहा है, रोज नया नृत्य हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। आइए हम सब भी मिलकर उस बारात में शामिल होए और कीर्तन करें भगवान के दिव्य नाम का और उनके नाम का जयकार। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
राजा राम
पीछे पावे सीताराम राम तो सबको माया के सामने नाचने में मंजूर है लेकिन भगवान के विवाह में नाचने में मंजूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देखिए भगवान के सामने नाचेंगे तो माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। अतः भगवान के विवाह में भगवान के सामने भागवत के सामने नाचिए अतः आपको कभी माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। आपको सही हो रही है, आपको नाचते हैं, अरे बहुत नृत्य कीजिए और नहीं तो सामने बचेंगे नृत्य कीजिए सब लोग। देखिए माताएं बहुत सुंदर नृत्य कर रही है, प्रभु जी में कोई नहीं। Thank you.
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री नारे जय